जब से फैला है जमाने में करप्शन का रोग, करोड़ों में बिकने लगे हैं कौड़ियों के लोग। ये मेरा नहीं है भाई, मैंने नहीं लिखा है, मैंने कहीं सुना था, आपको चिपका दिया। क्यों चिपकाया ये बताऊंगा। पहले तो यार ना एक प्रॉब्लम है। अब मैं सुबह में ये वीडियो बनाने की प्रिपरेशन कर रहा था कि थोड़ा सा एक वीडियो बना लेता हूँ, सुबह सुबह जल्दी से काम खत्म करता हूँ। घर वाले नहाए नहीं, तुम नहाए नहीं, नहाए नहीं, मैंने कह दिया भाई परेशान होके अब आज मैं नहीं नहाऊंगा, संडे है, कल नहाऊंगा आप सीधा। फिर लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, मतलब आपके किसी न किसी एक्ट से ना किसी न किसी को प्रॉब्लम होने ही वाली है। कुछ एक्ट से बाहर वालों को, कुछ एक्ट से घर वालों को। मैंने कहा टीवी में देखते रहते हो पानी बचाओ, एक दिन नहीं नहाऊंगा पानी तो बचेगा, बट उससे भी तकलीफ है। खैर छोड़ो, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज तो कुछ लोगों को ये तकलीफ है, उनको फाइल नहीं मिल रही है, वो डिस्कस करूंगा मैं। बार बार कहते रहते हैं, हर डे मुझे एक ऐसा मैसेज आता है कि इस लेक्चर का फाइल सेंड करिए, इस लेक्चर का फाइल सेंड करिए। दूसरी हम बात करेंगे वुमन रिजर्वेशन पे। हालांकि इससे पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, बट स्टिल यूपीपीएससी का जो भी यही का एग्जाम हुआ है, उसमें कुछ लोग पूछ रहे हैं वुमन रिजर्वेशन से रिलेटेड, जैसे उनको कुछ डाउट है। पहला कि उनको सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जो वुमन की सीट है, अगर कोई वुमन नहीं मिलती है तो वो सीट किसको जाती है। अगर कोई अदर स्टेट की वुमन है, ऐसे भी मुझे एक दो मैसेज आए कि हम अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो क्या जनरल कैटेगरी की जो वुमन की सीट है हमको उसमें रखा जाएगा। तो इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। एक टॉपिक और है करप्शन का, जिसके रिलेटेड मैंने आपको ये एक सुनाया कि एग्जाम्स में करप्शन हो रहे हैं। एक दो मुझे मैसेज ऐसे मिले, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हो, उनका नाम इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि नाम थोड़ा ऐसा ही मैटर है, तो नाम ना दिखे तो ही अच्छा है। तो इस पे तो मैं क्या ही बात करूंगा, फिर भी आपने कहा है तो जो मैं सोचता हूं आपको बता दूंगा। जो लास्ट टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो इस टॉपिक पे तो मैं क्या ही बात करूं, मैं तो यही कहूंगा कि भैया मन नहीं लगता है तो ये काम करो कि पढ़ाई बंद करो यार, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जरूरी थोड़ा नहीं कि सबको सरकारी नौकरी ही मिले, हम कुछ और कर लेंगे। अगर हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है तो हमें एक ऑप्शन ढूंढ के रखना चाहिए। देखिए एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि मैं मोटिवेटर तो हूं नहीं और नहीं मैं बनने की कोशिश करता हूं, और ये अच्छा भी है कि जो चीज आप नहीं हो अगर आप वो बनने की कोशिश करोगे तो आपको दुनिया भर की एक्टिंग करेगी करना पड़ेगी और आप कर नहीं पाओगे। आप सोच के देखो कि मान लीजिए तुमको एकदम महान आदमी मान लिया जाता है, तुमको कहा जाता है कि अरे यार तुम कितने महान हो, तुम कितने महान हो, तुम महान हो नहीं। अब तुमको महान होने की एक्टिंग करना है। अब तुम किसी से ऐसी चीज नहीं कह सकते कुछ, मतलब जो तुम्हारे मन में चल रहा है, महान नहीं हो तो मन में कुछ उपरांत चीजें चलेंगी। अब जैसे ही तुमने कुछ उपरांत चीजें किसी से कहा, कहेंगे अरे यार आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आप भी ऐसा सोचते हो क्या, आप भी ये करते हो क्या, तो फिर कुछ दिन में ना अपने लाइफ से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो मेरा ऐसा मानना होता है कि जो चीज आप नहीं कर सकते, सिंपली मान लो कि नहीं कर सकते, तो वैसे ही मैं मोटिवेटर नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेटर बनने के लिए ना एक बेसिक सा झूठ बोलना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने शेयर किया था ग्रुप में, किसी ने एक मैसेज पोस्टर शेयर किया था कि वो साइकिल से आया और हमें मर्सिडीज का सपना दिखा के चला गया। इसका मतलब यही है कि जो मोटिवेटर होते हैं ना, वो आपके रियलिटी से थोड़ा सा आपको दूर ले जाते हैं, सपना दिखाते हैं। सपना देखना बुरी बात नहीं होती है, मगर रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत अच्छी बात है। जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, उसको सुधारोगे कैसे यार। तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है तो आपको लगाना पड़ेगा। मैं या कोई और कोई तीसरा है, कोई मोटिवेटर वीडियो आप देख लोगे, दो चार मिनट मोटिवेट रहोगे, अगर आपको खुद से फील नहीं होता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो भाई कोई आपसे पढ़ाई नहीं करवा सकता है। हाँ कोशिश करो कि ठंडे का टाइम है तो बिस्तर में ना पढ़े, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्ट एरिया मिल जाती है तो आप सो जाते हो। तो कुछ ऐसे फिजिकल चीजें कर सकते हो आप, चेयर और मेज का सहारा लो पढ़ने के लिए, मैक्सिमम टाइम वहीं पे रहो। जब पढ़ाई करने जाओ तो थोड़ा सा टारगेट बना के पढ़ाई करो कि 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जैसे आपकी कैपेसिटी की, इतने क्वेश्चन सॉल्व करके ही उठूंगा। तो माइंड में एक प्रेशर रहता है कि इतना क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके उठना है या ये टॉपिक कवर करके उठना है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप अपने ऊपर कंस्ट्रेन लगाओ, तो थोड़ा सा आप डाइवर्ट हो रहे हो, तो डाइवर्जन को रोका जा सकता है, डाइवर्जन को रोका जा सकता है। एकदम से आपने मूड बना लिया पढ़ाई करनी नहीं, मेज पे बैठ के सो रहे हो, चेयर पे बैठ के सो रहे हो, तो मैं तो कहूंगा भैया कि ठीक है यार पढ़ाई सबके लिए नहीं होती है, छोड़ दो ना। आप मछली को कहोगे कि पेड़ पे चढ़ो तो कैसे चढ़ेगी। हो सकता है पढ़ाई आपके लिए नहीं बनी है तो छोड़ दो यार, जिंदगी एंजॉय करो। हो सकता है कि इस टाइम जो आप पढ़ाई में खराब कर रहे हो और खराब करने के बाद भी सिलेक्शन ना हो, उस टाइम आप कुछ और करो, वहां पे कुछ अच्छा कर पाओ। तो जरूरी नहीं कि सब लोग पढ़ के ही आगे जाएंगे, आप कुछ और सोच लो। अगर आप पढ़ाई में सच में आपका मन नहीं लगता है, नहीं हो पा रहा है, एक चीज और है कि मेहनत से कुछ भी बदला जा सकता है, ये भी सही है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ना नहीं चाहते हो, फिर भी आप मेहनत करते हो तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए।
बट आपसे मेहनत भी नहीं हो रही है, मन भी नहीं है मेहनत करने का, तो फिर तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि भैया जाने दो, कुछ और कर लो, शायद वहां पे आप बेहतर कर पाओ। हालांकि ये लास्ट टॉपिक था बट मैं आ गया तो अभी खत्म हो गया, बट फोकस करो। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपने पढ़ा है, इससे पहले मेहनत किया है, आपको लगता है कि आपने एक अच्छा लेवल अचीव कर लिया है, तो कोशिश करो कि वो जो पीछे की मेहनत है वो बर्बाद ना हो, वो कामयाब हो जाए, आप सेलेक्ट हो जाओ। अगर आपने पीछे मेहनत नहीं किया है, आगे भी करने का मन नहीं है, मन लगता नहीं है आपको, 5 मिनट की पढ़ाई के लिए 2 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, मोटिवेशनल स्पीच चाहिए किसी का, तो मैं कहूंगा कि आप अपने लिए कुछ और ढूंढ लो। अपने पोटेंशियल को पहचानना और उसको आगे लेके जाना बहुत अच्छी बात होती है, जरूरी नहीं कि जो दुनिया कर रही हो भी आप भी करो, ठीक है। अब इससे डिमोटिवेट होके आपको पढ़ाई भी नहीं छोड़ देना, अगर आपका अच्छा लेवल है तो आप पढ़ो। अब बात करते हैं वुमन रिजर्वेशन की। हालांकि इससे पहले मैंने इस पे बात किया था बट शॉर्ट में मैं आपको फिर से समझा देता हूं। सपोज कर लीजिए जो आपके 3-4 क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कहीं पे 100 सीटें हैं। अगर मैं यूपी की स्पेसिफिक की बात करूं तो पहले यहाँ पे 2 टर्म आता है, एक आता है वर्टिकल रिजर्वेशन, दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो वर्टिकल रिजर्वेशन जो कास्ट बेसिस रिजर्वेशन है और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, मतलब जहां पे सीटें सीधा वर्टिकली डिवाइड कर दी जाएंगी। जैसे कि 100% है तो 100% पर 27 अगर ओबीसी का है तो ये ओबीसी को मिल जाएगा, और अगर ईडब्ल्यूएस का 10% है तो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए एससी को दिया गया है 15%, मान लीजिए है, मान लीजिए नहीं, ये है रिजर्वेशन, तो 50% मतलब 50 सीट ओबीसी को, सॉरी एससी को दे दिया जाएगा, और एसटी की जो सीट है जो 7.5 है यूपी में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, तो आप अपने हिसाब से रेशियो बना लेना, परसेंटेज ही है ये, तो ये 7 सीट दे दिया गया एसटी को, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। और ये जब पूरा ये आप ऐड करोगे, इस पूरे सीट को आप ऐड करोगे तो ये अराउंड अराउंड आएगा 59.5, अराउंड अराउंड नहीं एग्जैक्टली यही आएगा। इसके बाद बचता है आपका जनरल, जो भी सीट इसके बाद बच गई, इस रिजर्वेशन के बाद बच गई वो जनरल को चलेगी। तो सपोज कर लेते हैं इसको हम 59 मान लेते हैं, 41। अब ये पॉइंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जब आप रोस्टर देखोगे उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो जो पॉइंट होता है ना वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने वो बताया हुआ है 200 पॉइंट रोस्टर में कि किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन सी सीट किसको जाती है। अगर आपको चाहिए तो वो सीट एक बार, वो वीडियो आप एक बार देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, कई बार मैंने बताया हुआ है आपको। तो ये पूरा आपका वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया। अब बात करते हैं ओमर रिजर्वेशन। ओमर रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, देखो यहां पे आपका एक पूरी एक रो बन गई। अब इस रो में आपको दिया जाएगा ओमन रिजर्वेशन, आपको नहीं मतलब जो ओमन्स हैं उनको दिया जाएगा ओमन रिजर्वेशन। कितना भाई यूपी में ओमन रिजर्वेशन? 20% है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि ये 20% रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा, हो सकता है वो नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो ये 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, मतलब इस रो से कट किया जाएगा। कैसे कट किया जाएगा? जैसे ओबीसी में 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी गर्ल्स को, और कोई उसमें नहीं आ सकता, केवल और केवल ओबीसी गर्ल्स आएंगी। तो 20% रिजर्वेशन है इस सीट में, तो अराउंड अराउंड मान लेते हैं 5 सीट रिजर्व होगी। पॉइंट में कुछ आएगा बट उसको हम इग्नोर करते हैं, इंटीजर ले लेते हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आ जाएगी 2 सीट। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आ जाएगी आई थिंक 3 सीट। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आ जाएगी 1 सीट। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आ जाएगी 8 सीट। तो ये हो गई ओमन का रिजर्वेशन। अब हम एक्चुअल बात करें, अब यहां से ये सीट कट होगी, इस 27 में से कट होगी, तो ये कट होगी, तो अराउंड अराउंड 22 सीट रिजर्व है ओबीसी के लिए, ये कुछ 8 सीट रिजर्व है आपके ईडब्ल्यूएस के लिए, ये कुछ 12 सीट रिजर्व है आपका एससी कैटेगरी के लिए, और ये कुछ मान लीजिए 6.5 सीट रिजर्व है आपका एसटी के लिए, और यहां पे भी कट जाएगी तो ये 33 सीट रिजर्व है आपके जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर यूपी की किसी भी वैकेंसी, मैक्सिमम लोगों ने यूपीपीएससी एआई के बारे में बात किया हुआ था मुझसे, तो अभी एआई की हम बात करें तो ये 33 सीट ही जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को मिलने वाली है, बाकी सीटें रिजर्व है। किसको रिजर्व है, कैसे रिजर्व है, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वहां पे डिवाइड करके नहीं बताया हुआ है, वहां पे बस परसेंटेज बताया हुआ है। तो इस तरीके से सीट आपको मिलेंगी जो जनरल कैटेगरी से, प्योर जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, जिनके पास ईडब्ल्यूएस का कोटा भी नहीं है और किसी कास्ट से भी बिलोंग नहीं करते हैं, उनको इसी सीट में कम्पीट करना है। जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको इसी सीट में कम्पीट करना है। अब दूसरा आपका क्वेश्चन है कि सपोज करिए कि ये जो गर्ल्स का रिजर्वेशन है, अगर इसमें कोई गर्ल्स नहीं मिलती है तो ये सीट किसको जाएगी? तो पहले बात कर लेते हैं, सपोज करिए ओबीसी में 4 गर्ल्स मिल गई, 1 गर्ल्स नहीं मिली, तो ये 1 सीट यहां पे ऐड हो जाएगी, ओबीसी को जाएगी, जिसका है उसी को जाएगी, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे ये कैरिड फॉरवर्ड होती है, क्या नहीं भाई, बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, ये सीट कन्वर्ट हो जाती है, यही पे कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं जब नई वैकेंसी आएगी उसमें
गर्ल्स को ये सीट दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये चूंकि होरिजेंटल, जो भी होरिजेंटल कोटा की सीट होती है, अगर वो कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो वो सीट जो है जिसके कोटा से काउंट किया गया, जिसके कोटा से निकाला गया है, उसके कोटा में डायरेक्टली एड कर दिया है। उसी तरीके से सपोज कर लीजिए ईडब्ल्यूएस की एक सीट मिली, एक गर्ल मिली, बाकी नहीं मिली, तो ये सीट यहां पर एड कर दी जाएगी, 9 सीट ईडब्ल्यूएस को दी जाएगी, 1 सीट गर्ल्स को दे दी जाएगी। गर्ल्स का आप सोच रहे हो कि क्यों नहीं मिलेगी, हो सकता है कभी कभी नहीं फिलअप होती है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट भी लगाया गया है। अगर आप एससी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आई होप अगर मैं करेक्टली रिमेम्बर कर पा रहा हूं तो 35% आपको मार्क्स लाना होगा अगर इन दोनों कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। अदर कैटेगरी वाली गर्ल्स को भी 40% मार्क्स लाना होगा मेरिट लिस्ट में जाने के लिए। अगर किसी के मार्क्स इतना नहीं है तो आपको सीट नहीं मिलेगी, आपकी सीट कन्वर्ट भी कर दी जाएगी रिस्पेक्टिव कैटेगरी को। इसी तरीके से सबने, अगर जनरल में कोई लड़की है, अगर जनरल की सीट नहीं मिलती, कोई लड़की नहीं मिलती, तो जनरल में कन्वर्ट की जाएगी। अब एक कंफ्यूजन यहां पे आप लोगों को और होता है, वो कंफ्यूजन ये है कि सीटें फिलिंग कैसे, फिल कैसे की जाएगी। मान लीजिए तो सबसे पहले फिल की जाती है ये 33 सीट जो है अनरिजर्व कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट है ये फिल की जाएगी। क्या किया जाएगा इसको फिल करने के लिए, एक मेरिट बेसिस पे एक सीरीज बनाया जाएगा सबका, बिना जेंडर देखे, बिना कास्ट देखे, बिना कुछ देखे एक लिस्ट बनाया जाएगा, और उस लिस्ट में जो टॉप 33 कैंडिडेट्स होंगे उन टॉप 33 कैंडिडेट को उठा के यहां पे रख दिया जाएगा, बिना उनका कास्ट देखे, बिना उनका जेंडर देखे, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो उनकी कास्ट कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सिंपल उनके मार्क्स के मेरिट के बेसिस पे उनको उठा के यहां पे रख दिया जाएगा। ये सीट फिलअप हो गई। इसके बाद अगर मैं जनरल के गर्ल्स की बात करूं तो जनरल की गर्ल्स की जो 8 सीट है उसको फिलअप करने के लिए केवल और केवल जेंडर बेसिस पे यहां पे गर्ल्स का ये बनाया जाएगा। ये सीट फिल करने के बाद, ये वाली सीट फिल करने के बाद गर्ल्स की, हो सकता है इसमें कुछ गर्ल्स आ जाएं, वो किसी भी कैटेगरी की आ जाए और उनका मार्क्स अच्छा है तो वो इसमें रखी जाएंगी, उनको यहां पे गर्ल्स में रिजर्व नहीं किया जाएगा। तो 8 टॉप गर्ल्स जो होंगी उनको सीधा उठा के यहां पे रख दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मान लो जो ओबीसी गर्ल्स की फिलअप करनी है तो ओबीसी गर्ल्स की लिस्ट बनाई जाएगी, केवल केवल उसमें ओबीसी रहेंगी और वहां से टॉप 5 टॉप 4 जितना भी मिलती है उनको यहां पे रखा जाएगा। उसी तरीके से इसमें होगा, उसी तरीके से इसमें, उसी तरीके से इसमें, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है मेल की उसमें भी वैसे ही किया जाएगा। अगर ओबीसी की भरना है तो ओबीसी की लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें से जो भी 22 सीट बची है, 23 सीट बची है, उतने टॉप कैंडिडेट को ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, अदर स्टेट में अगर आप जनरल में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा जाएगा, सिंपल मार्क्स बेसिस पे यहाँ पे रखा जाएगा, ये हर स्टेट में होता है। हाँ, ये सीटें वैरी कर सकती हैं, कहीं पे मान लो जनरल गर्ल्स की जो सीटें 33% रिजर्वेशन है तो ये सीट बढ़ जाएगी और ये वाली सीट 33 वाली कम हो जाएगी, ये हो सकता है। बट जितना भी अल्टीमेटली अनरिजर्व कैटेगरी की सीट बचती है उसमें उसी बेसिस पे मार्क्स के बेसिस पे फिल किया जाएगा। अब कुछ लोगों का गर्ल्स का डाउट है, मुझे मैसेज आया कुछ गर्ल्स का कि वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो क्या उनको ये वाली सीट मिलेगी यूपी में, मतलब सॉरी उनको क्या ये वाली सीट मिलेगी गर्ल्स वाली, वो गर्ल्स हैं दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो क्या उनको रिजर्वेशन मिलेगा। अभी का जो यूपी का सिस्टम है कि अगर आपको गर्ल्स का रिजर्वेशन चाहिए तो आपको यूपी का डोमेसाइल चाहिए, अगर आपके पास यूपी का डोमेसाइल नहीं है तो आपको ये 8 सीट में जगह नहीं मिलेगी, फिर आपको इसमें जगह मिलेगी, इसमें जिसमें सब लोग कंपीट कर रहे हैं इसी में आपको जाना पड़ेगा। हालांकि इस पे केस भी चल रहा है, इस पे केस इसलिए चल रहा है, कहा जा रहा है कि अगर आप दूसरे स्टेट के बॉयज हो तो आपको बॉयज वाली सीट में जगह मिल रही है, बॉयज के जनरल कैटेगरी में मिल रही है, तो हम दूसरे स्टेट की गर्ल्स हैं तो जेंडर तो है ना हमारा गर्ल्स, तो हमको भी जनरल वाली सीट, गर्ल्स की जनरल वाली सीट में तो एटलीस्ट रखो। तो इस पे केस चल रही है, वो क्या होगा फाइनल डिसीजन वो अलग बात है, बट अभी के लिए जो वैकेंसी है या जिसमें होता है उसमें आपको, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप गर्ल्स हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, आपको इसी सीट में कम्पीट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई सीट फिल नहीं होती है गर्ल्स की तो वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी में एड हो जाएगी। अब ये पॉइंट वाइज की बात है तो ये ऑलरेडी मैंने 200 पॉइंट जो रोस्टर है उस पर डिस्कस किया हुआ है कि कौन सी सीट किसको जाती है, वो उस हिसाब से आप कर लेना। कई बार कहीं पे कम सीटें होती हैं, किसी डिपार्टमेंट में मान लो कम सीटें हैं तो वहां पे क्या होता है वो पूरी सीट जनरल को चली जाती है, अदर कैटेगरी नहीं मिलती, जनरल के बाद ओबीसी की वेटेज ज्यादा है तो ओबीसी को मिलती है, उसके बाद आपको एससी को मिलती है, उसके बाद एसटी को मिलती है, तो वो सारी अलग चीजें हैं, अलग कहानी है। हाँ, अगर यहाँ पे सीट है वहां पे इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब बात करते हैं मेरे पहले टॉपिक पे, कुछ लोगों को फाइल्स नहीं मिलने, जैसे मैंने जो लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसके ऑलरेडी फाइल मैंने अपलोड किए हुए हैं टेलीग्राम पे पीडीएफ फाइल, बट उन लोगों को मिल नहीं रही है। डेली मुझे कोई ना कोई मैसेज करता है कि वो फाइल मैं फिर से अपलोड करूं,
देखो आप इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर किया और मुझे पता है आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं आपसे कहूं कि सनी मैडम की पुरानी वाली वीडियो डाउनलोड करो तो आप 1 TB डाउनलोड कर लोगे, कहीं से भी ढूंढ के लाओगे, ठीक है, डाउनलोड कर लोगे, वो आपको पता चलेगा। बट यार पता करो, ये भी मिल जाएगा, 200-300 फाइल्स है, 400 फाइल्स होंगे, उसमें आप लेक्चर्स नहीं ढूंढ पा रहे हो। देखिये प्रॉब्लम क्या है, मुझे दोबारा सेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है जो पहले के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉलो किया है सिक्वेंसरी लेक्चर को, उनको डाउट होता है कि नई पीडीएफ आ रही है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है क्या। जैसे मैं नई पीडीएफ, पुरानी पीडीएफ को दोबारा शेयर करता हूं, मैसेज आता है कि सर इसमें कुछ चेंज है क्या, कुछ ये है क्या, और उनको प्रॉब्लम कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि वो कॉपी फाइल हो जाती है। तो थोड़ा सा आप मेहनत करो, सर्च करो, बहुत लगेगा तो आपको 1 आवर इतना तो दे सकते हो डाउनलोड करने के लिए, 1 आवर आपका ज्यादा से ज्यादा वेस्ट होगा। पूरी फाइल आप डाउनलोड कर लोगे और उसपे लेक्चर नंबर मेंशन है यार, उसपे नाम भी मेंशन है कि उसमें कौन सा टॉपिक है, तो इतना तो मेहनत कर ही सकते हो आप, ठीक है। तो डाउनलोड कर लो आप, प्लीज बार बार ना कहो कि मैं दोबारा शेयर करो, मैंने जिप फाइल भी शेयर किया है, ऐसा नहीं है। जो भी टॉपिक्स हैं, जितने उनके लेक्चर्स हैं, उनके जिप फाइल भी मैंने शेयर किया है, जिप फाइल भी डाउनलोड कर। कुछ लोगों का मैसेज आता है जिप फाइल ओपन नहीं हो रही, तो उसके लिए ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। थोड़ा तो खुद से भी रिसर्च मेहनत करो ताकि पता चले कि आप पढ़ाई कर रहे हो, नहीं सारा मतलब ऐसा मत कोशिश करो कि चटनी साग बना के दिया जाए और आप चम्मच से डालो अंदर और पेट में चला जाए, फिर पता चलेगा कि वो देखे हो ना गन्ने वाली मशीन देखे हो, गन्ने वाली मशीन में ना अगर हम क्या करें ऊपर से स्क्रू उसका थोड़ा ढीला कर देना तो गन्ना इधर से जाएगी और गन्ना वैसे ही बिना जूस दिए बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई वो पचा ही नहीं पाए। वैसे ही आपका भी सिस्टम हो जाएगा कि अगर कोई डायरेक्टली आपको फीड कर रहा है ना, बस प्रोटीन फीड, विटामिन फीड, ये फीड, वो फीड, सारा कंटेंट आ गया और भैया बिना डाइजेस्ट किए आपको सब बाहर चला जाएगा। जब तक उस पर वर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि गन्ना वाली मशीन पे जब हम टाइट करते हैं ना तो उसको लोड आता है, उसके ऊपर मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करते हैं तभी गन्ने से जूस निकलता है, ठीक है। तो आप भी थोड़ा मेहनत करोगे ना तो आपको खुद से फीलिंग आएगी यार इतना मेहनत से आपने डाउनलोड किया है, पढ़ो, फिर फ्री में मिलता है, बुक्स इतनी लाइब्रेरी में रखी गई है, लाइब्रेरी में जाके लोग बैठते हैं, कहां पढ़ते हैं यार। तो मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी, मैं दोबारा सेंड कर सकता हूं, बहुत बड़ा वो नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं आप ही सेंड करो मुझे, तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करना, भाई साहब मैं आपको स्पेशली सेंड कर दूंगा। ग्रुप में सेंड करने में ये प्रॉब्लम है कि लोग कंफ्यूज होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, करप्शन। देखिए करप्शन पे तो जो हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट है उसमें करप्शन होता ही है। अब उसको बहुत ही जनरलाइज कर दिया गया है, बहुत बड़ा टर्म रहा नहीं है। कोर्ट को, सिस्टम को, सरकार को, हमको, आपको, सबको पता है कि करप्शन है। तो मेरे बोलने से, मेरे नहीं बोलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, करप्शन है। आपके हाथ में ये है कि आप पढ़ सकते हो, अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है। तो जिसके पास है वो लोग जाके दे रहे हैं, अगर उनको मिल रहा है तो पॉलिटिकल कनेक्शन, ऑफिसर से कनेक्शन, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बट हाँ, कुछ सीटें फेयर होती हैं, मैक्सिमम स्टेट में बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कुछ हिंदी स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे स्टेट में मुझे लगता है या उनके मैसेज के हिसाब से, स्टूडेंट के कम्युनिकेशन के हिसाब से, कि अभी भी काफी फेयर वैकेंसी होती है। तो आप कोशिश करो कि फेयर वाली को पकड़ पाओ। हाँ डेफिनेटली अगर आप लोग मास मूवमेंट चला सकते हो इसके लिए, तो अगर कभी ऐसा मौका मिला तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, गवर्नमेंट को मैसेज आएगा। और ये करप्शन बहुत बड़ी चीज नहीं, इसको हटाया जा सकता है और ये हटाना बहुत आसान है इसको। बट आप खुद सोच के देखो कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्या, आपके मन में वो नहीं है। डेफिनेटली आप सोचते हो यार इस वैकेंसी की करता हूं ना, यहाँ पे ना ऊपर वाली कमाई बहुत है, यहाँ पे ब्लैक मनी बहुत है। आपको खुद ही अंदर से पोटेंशियल जनरेट हो जाता है यार, तो मैं तो आरटीओ इंस्पेक्टर बनूंगा क्योंकि इसमें कमाई बहुत है, मैं तो इनकम टैक्स में जाऊंगा, सलाह कहीं भी छापे मारो, करोड़ रुपया लेके आ जाओ। तो तैयारी के टाइम से ही करप्शन घुसा पड़ा और हम चाहते हैं कि हमारे बगल वाले को करप्शन, बगल वाला करप्शन फ्री हो। तो जब हम करप्ट हैं तो हम दूसरे से उम्मीद क्या ही करें। तो है, ये सब चलता रहेगा जब तक इंसान है, इंसान का दिमाग ऐसा होता है यार, करप्ट होता है, उसको सुधारा नहीं जा सकता। हाँ हमें कोशिश तो करनी चाहिए, अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, लोग आवाज उठा रहे हैं तो हमें भी उठानी चाहिए। अगर जीरो नहीं कर सकते तो कम तो कर ही सकते हैं, और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, उनका ये स्टेप की इंटरव्यू के मार्क्स हटा दिए जाएंगे ग्रुप सी और ग्रुप बी से, तो इंटरव्यू का मार्क्स गया, तो एक तरह से कह सकते हैं कुछ परसेंट करप्शन तो वहां से कम हो गया, जिन जिन स्टेट से हटाए गए हैं, सेंटर से हटा दिए गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन होता है इंटरव्यू के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में। और पेपर लीक की प्रॉब्लम है, जैसे कि राजस्थान जेई का पेपर था, यूपी का पेपर था, तो कई सारे लोग कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है इस सेंटर को, स्टेटमेंट पे, हालांकि प्रूफ किसी के पास नहीं है, बट कह रहे हैं उनको मार्क्स पे देख के लग रहा है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी है, ये
ये भी हो सकता है कि हम पुराने ट्रेंड देखते आए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि लीक हुआ है, क्योंकि पढ़ने वाले लोग भी हैं, अच्छे नंबर भी ला रहे हैं, तो हम बस ये देखें कि लोग अच्छे नंबर ला रहे हैं, इसलिए पेपर लीक हुआ, सही नहीं है कहना ये। हाँ, ये भी कहना एकदम से मतलब श्योरिटी नहीं है कि नहीं हुआ होगा, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, बट जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है, हमें यही सोचना चाहिए कि नहीं हुआ है। हाँ, एक प्रॉब्लम होता है कि आपके साथ कि बहुत बार ऐसा होता है कि करप्शन का पता नहीं चलता है, जैसे यूपी में एक बार हुआ था, पहले से पेपर दे दिया गया था, लोग जिनका प्रीलिम में 100 में केवल 20 नंबर 30 नंबर आया था, दूसरे पेपर में वो 80, 82, 85 में पहुंच गए, तो ऐसा होता है। फिर जो मन से प्रिपरेशन करके गया उसे लगता है यार कि उसके अंदर कमी है, बट उसके अंदर कमी तो एक्चुअली थी नहीं, सेलेक्ट उसको होना चाहिए था, बट पेपर पहले से लीक करा दिया गया कि लोग बहुत ज्यादा कम्पीट करने लगे, बहुत ज्यादा मार्क्स लाने लगे, तो ये सब चीजें हैं। बट मेरे बात करने से, आपके सोचने से, केवल सोचने कहने से अब मैं क्या बताऊं, फर्क तो पड़ता नहीं है। खैर, तो उसके बारे में आप ना ही सोचो, पहले आप प्रिपरेशन पे फोकस करो, कंटिन्यूअसली एग्जाम्स आने वाले हैं, जितना हो सकता है उतना पढ़ो और पढ़ के सिलेक्शन ले लो, तो वेल एंड गुड। फिर आप सिस्टम में जाना, आपको लगता है कि नहीं करप्शन खराब चीज है, तो पहले आप ही कोशिश करना, दुनिया बदलने से अच्छा है पहले हम बदल जाए, आप बदल देना, आप कोशिश करना कि आपके लेवल पे करप्शन ना हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।